ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल न्यू रीडिंग के साथ आए हैं जो कि है नो कॉन्टैक्ट पे। सो ये अगले एक वीक की रीडिंग है फ्रेंड्स, और आपका सबको इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अगले एक वीक की क्या एनर्जी रहेगी हमारे पार्टनर की और किस तरह से चीज़ें होंगी। सो ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड रीडिंग रहती है, और इस रीडिंग में आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले, इसलिए मैं ये रीडिंग जल्दी पोस्ट कर दूंगी आज टाइम से पहले। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे कॉल करने की बजाय पहले व्हाट्सएप करा करें, अगर जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, कॉल मत करा करिए, क्योंकि मैं किसी दूसरी रीडिंग के बीच में होती हूँ तो मैं एकदम पिक नहीं कर पाती। अच्छा, कमिंग बैक टू द रीडिंग, जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो प्लीज़ आप लोग रीडिंग्स पसंद आए तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें। इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है, और फोर्स करके कुछ बेकार कमेंट्स ना करें, समझें कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। आई होप कि आप सब लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं होते। तो जैसे मैं अभी इस रीडिंग को करूँगी उसमें सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊँगी, अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो भी आप रीडिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ वहीं पर उस रीडिंग को छोड़ दें, क्योंकि जब आप ही की एनर्जी मैच नहीं हो रही तो आपके पार्टनर की कैसे होगी, आप समझें। सो मैं एक आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ इस रीडिंग पे, और प्लीज़ ज़बरदस्ती स्ट्रेस ना लें इस रीडिंग के लिए। लास्ट में मैं लव मैसेजेस निकालूंगी जो कि एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से उस डेक से मैसेजेस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और इसे अपने सन मून साइन जिससे भी आपको ईजी लगे कंपेरेटिवली उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखें। सो जल्दी से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सैजिटेरियस धनुराशि देखते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में क्या रहेगी आप दोनों की एनर्जी। स्टार्ट करेंगे पहले आपकी एनर्जी से, एंड लास्ट में आपके पार्टनर के रियल टाइम मैसेजेस लेंगे कि अभी उन्हें आपके लिए क्या फील होता है, ठीक है। सो सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली रीडिंग हम आपकी कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो सैजिटेरियस, मुझे सिचुएशन वाइज तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं आपकी तरफ से, आप काफ़ी मुझे सैड एंड डिप्रेसिंग लग रहे हैं, आप मुझे काफ़ी उदास लग रहे हैं। शायद ये जो पूरा नो कॉन्टैक्ट आया आपको झेला नहीं जा रहा, आप काफ़ी ज़्यादा उदास हैं इसके लिए, हालांकि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप न्यू बिगिनिंग करें। देखिए यहाँ पर ना एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ रहा है, अभी भी या तो ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, चाहे आपकी तरफ से चाहे आपके पार्टनर की तरफ से, वो सब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, क्योंकि सब पर सेम नहीं होता, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है, अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हैं तो आप भी देखें कि कहीं उसकी गाइडेंस की वजह से आपकी रिलेशनशिप तो नहीं ख़राब हो गई, और ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतना ज़्यादा गड़बड़ हुई, अगर आपके पार्टनर की तरफ से है। मुझे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी में और सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहे। आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं डिस्पाइट ऑफ एनी इशू जो आप दोनों के बीच में हुआ है। सो आपका जो एक मेन अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं पहले उससे क्लियर करूँ चीज़ें, मैं उससे बात करूँ, या फिर आप बहुत टाइम हो गया है तो आप बात करे बिना भी नहीं रह पा रहे, और आपको लगता है कि आई शुड स्टार्ट टॉकिंग विद दैट पर्सन, बात करना चाहते हो अब आप उससे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है मुझे आपकी रीडिंग में। ओके, अब मैं नेक्स्ट लूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या वो भी यही फील करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं। सो सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आइए देखते हैं सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सैजिटेरियस के पार्टनर की टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके जैसी डिप्रेसिंग दिख रही है, लेकिन आप क्या थे, परेशान थे,
स्ट्रेस में थे, दुखी थे, आपका पार्टनर गिल्टी है, रिग्रेट कर रहा है, उसको कोई ऐसी उसने आपको या तो बात कही है या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा हुआ है जो जिसकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इन्हीं की तरफ से थी, थर्ड पार्टी में हो सकता है उन्होंने अपने फैमिली वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी या कोई उनकी फैमिली की तरफ से कोई आपके अगेंस्ट बोल गया और फिर वो संभल नहीं पाई बात और बात बिगड़ गई, या फिर कोई फ्रेंड या जो भी, सो कोई ऐसी बात हो सकती है। लव अफेयर सबके लिए तो नहीं है कि सभी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, लेकिन हो सकता है, बट अभी से रिग्रेट हो रहा है, अब इसको लगता है कि इतना मैंने इस पर्सन के साथ गलत कर दिया, तो आपके लिए इसको कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रही है अपने मन में, अभी बार बार पुरानी बातों को सोच सोच के स्ट्रेस ले रहा है। दूसरा, इसको ये भी लग रहा है कि इसने बहुत सारी चीज़ें आपको हार्श होकर बोल दी, बहुत ज़्यादा हार्शली बिहेव करा आपके साथ मतलब, और अभी अगर मैं कहूँ अगले एक हफ्ते ये इतना कंफ्यूज रहेगा, इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब कैसे चीज़ों को आगे प्लान आउट करूँ, क्या मुझे अब इसमें वापस से पैचअप करना चाहिए या मुझे वापस से छोड़ देना चाहिए परमानेंटली, मतलब अभी इसका माइंड सेट नहीं हो रहा। सो इस तरह की एनर्जी में मुझे ये पर्सन अगले एक वीक नज़र आएगा। मैं लेती हूँ अब इनके डायरेक्ट मैसेजेस, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, इसे मिस मत करिए। तो क्या है इनके डायरेक्ट मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस, आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। मे बी आप कोई ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते थे, आप कुछ पाना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे, या कुछ आप दोनों के बीच ऐसी कुछ कुछ कहा सुनी हो गई जिसमें आपने इनसे कोई डिमांड रखी या कोई इनके आगे बात कही और वो चीज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शायद ये रायता फैला। सो ये सबसे पहला मैसेज दिखा है मुझे। दूसरा, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो अभी मैंने आपको बोला ना, अभी इनका माइंड दो तरफ चल रहा है कि मैं वापस सैजिटेरियस के पास जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक करूँ या ना करूँ। एंड नेक्स्ट इज़ कम बैक इन माई लाइफ। सो आपको चाहते हैं कि आप अब अपनी तरफ से ट्राई करें और आप वापस आएं। खुद ही ने पता है कि ये आपके ड्रीम्स अफोर्ड नहीं कर पाए, इन्हें ये भी पता है कि आप इनके लिए सही पर्सन नहीं हैं, बट इन्हें फिर भी आप वापस चाहिए हो, तभी इनका माइंड दो तरफ चल रहा है। जब अभी इनकी हमने एनर्जी निकाली तो टू ऑफ सोर्ड्स आया था, जिसमें ये आ रहा था कि ये इंसान अभी तक डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, तभी एक तरफ तो इन्हें पता है कि ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, आपका और इनका मैच नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। तो आप समझ रहे हैं, एक इंसान जिसको पता है कि हमारी ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी, फ्यूचर में तकलीफ़ें आएंगी, फिर भी वापस चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है कि कैसे डील करना है इस तरह के पर्सन के साथ। नो कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू रखना है या फिर ख़त्म। अब आप देखें कि आपको रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कि सच में आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया लाइक करें, रीडिंग को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।